हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो करंट अफेयर हैं सभी जो कंपटीशन वाले हैं सभी के लिए। तो सबसे पहले हमारी न्यूज है पेइंग गेस्ट। आप देखो ये पेइंग गेस्ट है क्या, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अयोध्या जो नए अयोध्या है, नए अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या का कायपलट कर रही है। इसके अंतर्गत जो राज्य पर्यटन विभाग है, जो राज्य पर्यटन विभाग है वो इस योजना को लेकर आए हैं, जिसमें क्या होगी जो भी पर्यटक होते हैं उनके लिए क्या आवास उपलब्ध कराया जाएगा, भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके लिए इस योजना को लेकर आए हैं, इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। जो स्थानीय स्तर के लोग, उसको रोजगार भी प्राप्त होगा, जो पर्यटक है उनको नई नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो आगे चलते हैं, इसमें स्थानीय निवासियों को, पर्यटक श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए पेइंग गेस्ट सुविधा होम स्टे प्रदान करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। तो उसमें क्या होम स्टे भी उपलब्ध कराया जाएगा पेइंग गेस्ट के आधार पर, ठीक है। यह किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, इसमें बाजरा व्यंजन, जो बाजरा से बनने वाले पदार्थ होते हैं, उनसे बनने वाला भोजन होता है, उस पर अधिक बल दिया जाएगा। तो स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न आय व रोजगार के अवसर यानी रास्ते भी यह खोलती है। तो ये ध्यान रखना पेइंग गेस्ट किस चीज के लिए है, पेइंग गेस्ट जो पर्यटक है उनके लिए बनाई गई है, अयोध्या में बनाई गई, यूपी के अंदर बनाई गई है। स्थानीय स्तर के लोगों को आय रोजगार प्राप्त होगी और जो भी पर्यटक होंगे उनके लिए होम स्टे प्रदान किया जाएगा, आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे चलते हैं, युगांडा में नाम NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी युगांडा इस समय नाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाम क्या है, नॉन एलिजेंट मूवमेंट। अब ये है क्या चीज, ये 120 देशों का समूह है। इसका उद्देश्य क्या है, जो विकासशील देश होते हैं उसमें क्या होता है, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना होता है। इसमें 18 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन जो ऑब्जर्वेबल संगठन है वो है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिखर सम्मेलन में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, एकजुटता को, राजनीतिक को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थशास्त्र संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया जाएगा इसमें। तो यदि 2024 से लेकर 27 तक की बात करें तो NAM के आगामी अध्यक्ष के रूप में युगांडा को इसमें शामिल किया गया है, यानी युगांडा इसकी अध्यक्षता करेगा। कुछ वर्षों में समूह के लिए एजेंडा और प्राथमिकताएं जो निर्धारित करेगा वो कौन करेगा, युगांडा करेगा। इससे क्या होगा, भारत में, भारत का लक्ष्य क्या होगा, इससे भारत का लक्ष्य होगा कि वे अफ्रीकी देशों में अपनी पहुंच बना सकेगा, उनके साथ संबंध मधुर या मजबूत कर सकेगा। इसके माध्यम से भारत में कई अफ्रीकी नेताओं की मेजबानी की है, यानी भारत ने भी कई अफ्रीकी नेताओं की भी मेजबानी की है। G20 में पूर्ण सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के प्रवेश पर समर्थन भारत ने किया था, जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, जो वहां का अफ्रीकी संघ है उसको भी भारत ने इसके अंदर शामिल करने की बात की थी G20 के अंदर। आगे चलते हैं, अब देखो ये एक जानवर है जो कहां पर मिला है, ये मिला है ग्रीनलैंड में। अब ये ग्रीनलैंड में मिला है, जो क्या है, एक जलीय जीव है जो लगभग 518 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसके क्या होंगे, पंख होता है, एंटीना युक्त विशिष्ट सिर होता है, शिकार के लिए क्या होते हैं, मजबूत जबड़े होते हैं और 30 सेंटीमीटर लंबे प्राणियों को प्रकट करता है। इसको क्या नाम दिया गया है, एक हिंदी में देखा जाए तो आतंकवादी इसको नाम दिया गया है, समुद्र का आतंकवादी। और वैसे इसका नाम क्या है, तो तिमोरे बेस्टिया इसका नाम दिया गया है, जो कहां पर मिला है, ग्रीनलैंड के अंदर मिला है। 1987 के बाद उससे जो अभियान शुरू किए गए, वहां पर लगभग 10,000 प्राचीन जीवाश्म के नमूने एकत्रित किए गए, यानी इकट्ठे किए गए हैं। सीरियस पासेट यानी 500 मिलियन वर्ष से पहले के भी जितने भी जीव मिले हैं वो सब कैम्ब्रियन काल के दौरान के हैं। कैम्ब्रियन काल यानी युग होता है, तो उस दौरान के हैं। लगभग कितने, 500 मिलियन वर्ष पुराने ये जीव हैं, जो कि समुद्र के अंदर ये शिकार किया करते थे और इसको खतरनाक होने के कारण इसको आतंकवादी जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ये कहां पर मिला है, ग्रीनलैंड में। आगे चलते हैं, विधि आयोग स्थानीय इस तरह के जो जो भी चुनाव होते हैं उनको क्या समन्वय करने का काम कर रहा है, यानी एक देश एक चुनाव की बात कर रहा है। इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब देखते हैं। तो भारत में 1952 से लेकर 1967 तक जितने भी राष्ट्रीय और विधानसभा चुनाव हुए हैं सभी के सभी एक साथ होते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जो भी हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि चुनाव या तो रुक रुक कर होने लगे हैं या आगे पीछे हो गए हैं, जिससे क्या हो गया, अलग अलग चुनाव कराने से काफी खर्चा होता रहा है। मतलब क्या हुआ, 1952 से और 1967 तक क्या हुआ, एक साथ चुनाव हुए, विधानसभा और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव, लेकिन क्या हुआ के चुनाव या तो लोकसभा भंग हुई या विधानसभा भंग हुई, जिसके कारण चुनाव आगे पीछे हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, काफी ज्यादा अधिक खर्चा होने लगा। तो खर्चा होने लगा इसलिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर क्या कर दिया गया, विधि आयोग ने
एक प्रस्ताव ला दिया। अब इसमें क्या हुआ आगे, जो 22वां विधि आयोग है ना केवल लोकसभा बल्कि राज्य चुनाव में स्थानीय स्तर के चुनाव को भी एक साथ कराने की बात कर रहा है। यदि एक साथ यानी एक देश एक चुनाव लागू होता है तो उसमें क्या होगा, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो जाएगा। यदि कार्यवाहक सरकार नहीं बन पाती है जिसके कारण क्या मध्य अवधि चुनाव की आवश्यकता होती है, तो जब भी नई सरकार का गठन होगा यानी शेष जो कार्यकाल होगा उसके आधार पर ही वो कार्य करेगी। 1 वर्ष के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव को उसी तारीख पर कराना होगा, फिर अगले लोकसभा चुनाव के साथ क्या कर दिया जाएगा, उसका समन्वय कर दिया जाएगा। मतलब यदि राज्य सरकार या लोकसभा जो भी होती है भंग होती है, तो भंग होने के बाद क्या होगा, जो शेष बचा कार्यकाल है उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। चुनाव कराने के बाद जब तिथि आएगी दोबारा चुनाव कराने के, फिर एक साथ दोबारा चुनाव करा दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय चुनाव को मिलाने से मतदानों को नए प्रतिनिधि को चुनने का मौका भी मिलेगा। मतलब बार बार एक प्रतिनिधि चुनने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नए प्रतिनिधि चुनने का मौका भी मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखो इसरो जो G-SAT 20 है उसको लॉन्च करने के लिए किसकी मदद ले रहा है, स्पेस एक्स की। तो किससे, फाल्कन 9 से मदद लिया जा रहा है, यानी फाल्कन 9 रॉकेट से मदद लिया जाएगा। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है तो ये किसका है, स्पेस एक्स, ये अमेरिकी फार्म है स्पेस एक्स, वहां से लिया जाएगा। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने फाल्कन 9 रॉकेट पर एक भारतीय संचार उपग्रह लॉन्च कराने के लिए स्पेस एक्स को अनुरोध किया है। अब ये है क्या, न्यू स्पेस इंडिया, ये न्यू स्पेस इंडिया इसरो का ही एक शाखा है। यह पहली बार होगा जब भारत सरकार का कोई भी उपग्रह स्पेस एक्स के वर्क होस्ट फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मिशन 2024 की दूसरी तिमाही में ये कार्य होगा। तो फाल्कन 9 पर लॉन्च होने पर उपग्रह जी सेट है, लेकिन अब इस जी सेट का नाम बदलकर क्या कर दिया, जी सेट N2 कर दिया गया है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उस पर बल देगा और जो बैकहोल सेवाओं के लिए उच्च थ्रूपुट उपग्रह क्षमता प्रदान करेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका कवरेज क्षेत्र भारत में नहीं, भारत के जो आसपास के द्वीप है, अंडमान निकोबार हो और लक्षद्वीप हो, वहां तक यह अपना कवरेज प्रदान करेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत के साथ साथ क्या, भारत के आसपास के द्वीपों पर भी ये कार्य करेगा। आपने भी देखा होगा कि अभी परसों ही मोदी जी ने क्या काम किया है, लक्षद्वीप के अंदर और कोची और लक्षद्वीप के बीच में एक फाइबर कनेक्टिविटी स्थापित करी है जिसके माध्यम से कार्य करेगा। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।